दोस्तों फाइनली Xiaomi ने अपना Xiaomi Mi 10 स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद यहाँ Xiaomi ने अपना Mi 10 Pro 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे ताकि आप लोगों को पूरी तरह से पता चल सके कि Mi 10 5G और Mi 10 Pro 5G में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन चेंजेस की गई है दोनों स्मार्टफोन में। तो यहाँ आप लोगों को Mi 10 Pro लिखा हुआ दिखाई देता है बॉक्स के नीचे साइड। यहाँ आप लोगों को Mi 10 Pro और ये 8 GB की रैम 256 GB वाला वेरिएंट। तो आपको सिंपली ये बॉक्स ब्लैक कलर में दिया गया है जबकि Mi 10 का बॉक्स व्हाइट में दिया था। तो जैसे ही बॉक्स को ओपन करें तो आपके सामने व्हाइट कलर का एक बॉक्स मिलेगा। इस लेयर में हम देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को सिम इंजेक्टर टूल सबसे पहले मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को व्हाइट कलर में ट्रांसप्रिंटेड बैक केस और व्हाइट कलर में आपको क्विक यूज़र गाइड यहाँ मिल गया है। और यहाँ आप लोगों को हेडफोन के लिए पिन मिल जाता है, यह टाइप सी, और इधर पिन का पोर्ट दिया गया है। और ये बैक केस आप लोगों को मिल जाता है ट्रांसप्रिंटेड बेहतरीन कैमरा कटआउट्स के साथ जो कि बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनिंग के साथ दिया गया है। तो आपको अलग से बैक केस परचेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। तो इसको साइड में रख के बॉक्स के एसेसरीज को हम चेक करते हैं। और यहाँ आप लोगों को व्हाइट कलर में चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है और व्हाइट कलर में टाइप सी केबल यहाँ आप लोगों को मिल जाता है। और चार्जिंग एडाप्टर की बात करें तो इसमें आप लोगों को वो 65 वाट का चार्जिंग एडाप्टर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही तेज़ी से चार्ज करेगा आपके स्मार्टफोन को। तो ओवरऑल बॉक्स के अंदर ये सारे एसेसरीज मिलते हैं। अब नज़र डालते हैं स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ आप लोगों को इस स्मार्टफोन की स्क्रीन प्रोटेक्शन में Mi 10 Pro लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रीन प्रोटेक्शन एंड पॉलीथीन के रैपर को बाहर निकालेंगे और इस स्मार्टफोन को मैं आप लोगों को फर्स्ट लुक दिखाना चाहूँगा क्लियर तरीके से। अगर ये स्मार्टफोन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पूरी तरह कवर्ड ग्लास के साथ आता है ये स्मार्टफोन, यहाँ आप लोग देख पाओगे बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनिंग के साथ दिया गया है। ओवरऑल बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4 रियर कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। पहले इसी स्टिकर को निकालते हैं और बताना चाहूँगा इसमें जो मेन कैमरा दिया गया है इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर लेंस मिल जाता है जो कि क्वाड कैमरा दिया गया है। 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है। और इसके अलावा आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का 10 गुना हाइब्रिड जूम लेंस दिया गया है दोस्तों। और नीचे आप लोगों को LED फ्लैश का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप लोग देख पाओगे तो टोटल 4 रियर कैमरे का ऑप्शन यहाँ आप लोगों को मिल जाता है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को कैमरा स्पेसिफिकेशन में आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा Mi 10 और Mi 10 Pro में। इसके अलावा बात करते हैं बॉडी डिज़ाइनिंग की। तो राइट साइड आपको वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ कीज़ मिल जाता है। ऊपर साइड आपको सेकेंडरी माइक, आयर ब्लास्टर और ये स्पीकर ग्रिल आपको ऊपर साइड दिया गया है दोस्तों, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को लेफ्ट साइड नहीं दिया गया और इस नीचे साइड भी आप लोगों को स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट, सेकेंडरी माइक और सिम ट्रे बॉक्स आप लोगों को मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको कुछ इस तरह से इसकी बॉडी डिज़ाइनिंग मिल जाता है। इसे स्मार्टफोन को करते हैं बूट और यहाँ मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाना चाहूँगा। और ऊपर के साइड आप लोगों को ईयरपीस भी मिल जाता है और यहाँ आपको पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि इसमें आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और यहाँ ये स्मार्टफोन हो चुका है बूट और यहाँ आप लोगों को स्क्रीन में MIUI 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो इसमें आप लोगों को जल्द MIUI 12 का अपडेट भी मिल जाएगा, ऐसा Xiaomi ने कन्फर्म किया है। तो वीडियो को करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और आप लोगों को इसकी डिस्प्ले डिज़ाइनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.67 इंच की फुल HD प्लस की 3D कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जिसमें आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और 3D ग्लास आपको दोनों तरफ मिल जाता है, यानी फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको 3D ग्लास का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ये इस डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और इसमें आप लोगों को ट्रू कलर भी मिल जाता है। और वहीं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को क्वालकम स्नैपड्रैगन का 865 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। और वहीं GPU इसमें आप लोगों को एड्रेनो का 650 वाला मिल जाता है जिससे आप कोई भी हाई लेवल गेम खेलोगे लैगिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आप लोगों को AI 5th जनरेशन AI इंजन भी आप लोगों को इसमें मिलता है जो कि ये स्मार्टफोन 8 GB की रैम 256 GB वेरियंट के साथ आता है। तो यहाँ आप लोग कुछ स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे देख पाओगे दोस्तों। और वहीं बात करें इसी स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की। तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को 4500 mAh की
नॉन रिमूवेबल वाले बैटरी मिलते हैं, जिसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है अंडर डिस्प्ले, तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, और ये काफ़ी स्मूथली काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, यहाँ आप लोग देख पाओगे। तो ओवरऑल मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसी तरह की लेटेस्ट स्मार्टफोन की रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्टार ऑफ टेक यूट्यूब चैनल को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।